आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 40वां मैच बीते मंगलवार को भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया था। उस मैच में भारत की तरफ से दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। उसी के साथ कार्तिक 15 साल के कैरियर में पहली बार वर्ल्ड कप मैच खेलते हुए नजर आए, जबकि साल 2007 में कार्तिक को 15 सदस्य टीम में शामिल किया गया था, लेकिन धोनी के चलते वो मैदान में नहीं उतर पाए थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन मशहूर भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में जो कभी वर्ल्ड कप नहीं खेले। पहला, बीवीएस लक्ष्मण। टीम इंडिया के वेरी वेरी स्पेशल बल्लेबाज कहे जाने वाले बीवीएस लक्ष्मण ने अपने क्रिकेट कैरियर में कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए हैं। लक्ष्मण भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। लक्ष्मण की गिनती सचिन, सौरव और सहवाग के साथ होती है। उसके बावजूद वो एक वर्ल्ड कप मैच को तरसते रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज लक्ष्मण ने 1996 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उनके सामने 3 वर्ल्ड कप खेले गए, लेकिन भारतीय विश्व कप टीम में कभी नहीं आ सके। जबकि बीवीएस को उनकी टेस्ट बल्लेबाजी के लिए आज भी याद किया जाता है। इस दिग्गज खिलाड़ी के नाम 8781 रन दर्ज हैं, जिसमें 17 शतक और 56 अर्धशतक हैं। दूसरा, ईशांत शर्मा। पिछले 12 साल से क्रिकेट खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं रहे। ईशांत ने साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। तब से वो भारत के लिए 80 वनडे खेल चुके, जिसमें 115 विकेट भी चटकाए, लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना उनके लिए अभी तक सपना ही है। भुवी, बुमराह और शमी के चलते ईशांत को वनडे टीम में ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, लेकिन टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखे हुए हैं। तीसरा, चेतेश्वर पुजारा। एक समय में ऐसा माना जा रहा था कि पुजारा टीम में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जबकि पुजारा का कैरियर उससे कहीं आगे बढ़ा। पुजारा इस समय भारतीय टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी हैं। बेहतरीन कैरियर होने के बावजूद उनको वनडे टीम में मौका नहीं दिया जाता है, और ये भी सच है कि पुजारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए हैं। पुजारा ने कुल 5 वनडे खेले और सिर्फ 51 रन ही बना पाए, जबकि टेस्ट में उनका बल्ला खूब चला। चौथा, मुरली कार्तिक। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके टैलेंट के बावजूद टीम में जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। मुरली कार्तिक भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक रहे। उनके समय भारत के पास हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे स्पिनर्स मौजूद थे, जिस वजह से कार्तिक को कम मौके मिले। इस स्पिनर ने टीम इंडिया में कई बार अहम भूमिका निभाई और टीम को कई मैच भी जिताए, जबकि उनका कैरियर लंबा नहीं चल सका। कार्तिक ने अपने कैरियर में भारत के लिए 8 टेस्ट, 37 वनडे और 1 T20 मैच खेला है। पांचवा, अमित मिश्रा। अमित मिश्रा की कहानी मुरली कार्तिक से अलग नहीं है। ये स्पिनर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की टीम में मौजूदगी की वजह से भारतीय टीम में डेब्यू नहीं कर सका, लेकिन फिर कुंबले के चोटिल होने पर मिश्रा को मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू का मौका मिला। उस मैच में मिश्रा सबसे ज़्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाज बनकर उभरे, जबकि उसके बावजूद मिश्रा की जगह वनडे टीम में अश्विन को चुना गया। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में भी अश्विन का ही चयन हुआ। तो दर्शकों, ये थे वो 5 खिलाड़ी जो कभी भारतीय टीम की तरफ से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।